हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय टीम और इंग्लैंड टीम के बीच हुए दूसरे वनडे मैच के बारे में बात करेंगे। आपको रोहित शर्मा और जोस बटलर में से कौन बल्लेबाज बेहतर लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए तीन मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे मैच में 100 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। अब सीरीज का फाइनल और निर्णायक मुकाबला 17 जुलाई रविवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने लगातार अपना दूसरा टॉस जीता और एक बार फिर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन हार्दिक पंड्या ने भारत को पहली सफलता दिलाई और जेसन रॉस को पवेलियन भेजा। इसके बाद जॉनी बेयरस्टो सेट हो गए थे और खूब रन बटोर रहे थे। उनके साथ मौजूद थे दिग्गज जो रूट। फिर भारतीय गेंदबाजी का जिम्मा संभाला युजवेंद्र चहल ने। उन्होंने जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स और मोइन अली के रूप में चार बड़े विकेट झटके। इसके बाद लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की अगुवाई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने इंग्लैंड को 246 रन पर समेट दिया। चहल ने 47 रन देकर चार विकेट चटकाए। हार्दिक पंड्या 28 रन पर दो विकेट और जसप्रीत बुमराह 49 रन पर दो विकेट ने भी दो दो विकेट लेकर उनका अच्छा साथ निभाया। मोइन अली और डेविड विली ने इंग्लैंड की पारी को 6 विकेट के बाद संभाला और स्कोर 250 के करीब पहुंचाया। भारत को 247 रनों का लक्ष्य चेस करना था और 8 साल बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज अपने नाम करने का उसके पास सुनहरा मौका था, लेकिन टीम का टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। 11.2 ओवर में टीम ने 31 रन पर अपने 4 विकेट गवा दिए थे। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत तो इस दौरान अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। विराट कोहली 16 और शिखर धवन 9 ने भी निराश किया। फिर हार्दिक पंड्या 29 और सूर्य कुमार यादव 27 ने टीम की उम्मीदें जरूर जगाई, लेकिन ज्यादा देर तक यह उम्मीदें बरकरार नहीं रह सकी और 73 रन पर आधी भारतीय टीम आउट हो गई। इसके बाद पंड्या भी मोइन अली की गेंद पर बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। हालांकि मोहम्मद शमी 23 ने रविंद्र जडेजा 29 का साथ निभाया और 7वें विकेट के लिए 39 रन जोड़े, लेकिन यह साझेदारी भी लंबी नहीं जा सकी। इसके बाद 140 रन पर ही टीम ने अपना 7वां और 8वां विकेट गवा दिया। इंग्लैंड के लिए रीस टॉपली सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे और उन्होंने 5 विकेट अपने नाम किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।